ये लाइट्स क्यों चली गई? लाइट गई नहीं है, बुझा दी गई है, क्योंकि जब चांद जमीन पर आ जाए तो फिर किसी और लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब चांद की बात हो ही रही है तो भला परियों की बात कैसे ना हो, है ना? तो आज चांद के देश से हमारे बीच आई है एक नन्ही सी, प्यारी सी, क्यूट सी परी, जिसका नाम है हरिणी। हरिणी, बर्थडे गर्ल हरिणी के लिए जोरदार तालियां। हरिणी, आज आपके बर्थडे पर हमने स्पेशली आपके लिए एक प्ले तैयार किया है। अब क्योंकि हमारी हरिणी परियों जैसी है तो हम कहानी भी परियों की ही सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी, परीमा और उसकी नन्ही परी की जुबानी। दूर चांद के देश में रहती थी एक परी। अरे, ये तो पत्र लिखा है। उस परी ने एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी को जन्म दिया और वो बन गई उस नन्ही परी की परिमा। इस परिमा का नाम है देवयानी और उसकी नन्ही परी का नाम है हरिणी। वीरू, हाँ, तू मेरी और हरिणी की स्टोरी बता रहा है? हाँ ताई। वाओ, ये! लेकिन शायद किस्मत को था कुछ और मंजूर। परिमा से हो गई उसकी नन्ही परी तो। मीरू, परिमा की खुशियां मानो जैसे सो गई जब से उसकी बेटी नन्ही परी खो गई। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? परिमा दिन भर रोती रहती, अकेली और उदास, बेचारी। और करती भी क्या, उसकी नन्ही परी जो नहीं थी उसके पास, अकेली और उदास। कुछ भी झूठ नहीं इस कहानी में, एक एक बात है सच्ची। अपनी बच्ची से बिछड़ के परिमा खुद भी बन गई एक बच्ची। मुझे ना खिलौने बहुत पसंद है और मुझे ना स्टैपू खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई खेलने नहीं देता, मेरे साथ खेलता भी नहीं है। सब गंदे। देवी, सब गंदे।
परी माँ की हस्ती खेलती दुनिया उजड़ गई जब से नन्ही परी उनसे बिछड़ गई। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम भी बहुत अच्छे हो, हम सब खेलेंगे। परी मां रहने लगी सहमी सहमी, डरी डरी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन जरूर मिलेगी उसकी नन्ही परी। पापा, परी मां के साथ कितना बुरा हुआ ना, ये सब किसने किया पापा, किसने उनकी बच्ची को छीन लिया? बेचारी परी मां मजबूर और लाचार, धीरे धीरे होने लगी कमजोर और बीमार, बस अपने आप की सुनती, बस अपने आप से कहती, बस अपनी ही दुनिया में बेचारी खोई रहती। आज मेरा बर्थडे है। वाओ, बलून्स, केक, ये आज मेरा बर्थडे है। क्या ये बर्थडे पे कोई नहीं आया? किसी से बात नहीं करूंगी, सब गंदे, सब गंदे, सब गंदे, सब गंदे, सब गंदे, कट्टी कट्टी कट्टी। पापा, ये परिमा दिव्यानी आंटी के जैसे लग रही है, वो भी ऐसे ही करती है ना? हाँ बेटा। और फिर एक दिन पप्पा ने अपना चमत्कार दिखा दिया, परी माँ को उन्होंने नन्ही परी से मिला दिया। ड्रेस पहनी है। हाँ बेटा, वो आप ही का तो रोल प्ले कर रही है। मेरा रोल? हाँ। तू क्या ये नन्ही परी मैं हूँ? हाँ हरिनी, तुम ही हो अपनी परी माँ की नन्ही परी। और तुम्हें पता है तुम्हारी परी माँ कौन है? कौन? तुम्हारी देवयानी मम्मा। सच पापा? क्या देवयानी आंटी मेरी परी माँ है? नन्ही परी, मैं भी खेलूं तुम्हारे साथ? ये मेरे क्रेयोन है, ये मेरा टॉय है, मुझे नहीं खेलना आपके साथ। आप बहुत गंदी हो, बहुत अजीब हो, मुझे नहीं खेलना आपके साथ। नन्ही परी, परी माँ जाना चाहती थी अपनी बेटी के करीब, लेकिन नन्ही परी उसे तो लग रही थी अपनी ही माँ अजीब। देखो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ ना? है ना? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। नहीं, मैं मेरी मम्मा नहीं हूँ। मम्मा पापा बच्चों के खिलौने से नहीं खेलते। अब मेरी मम्मा नहीं हूँ। जाओ यहाँ से।
मुस्कुराता वक्त मानो जैसे रूठ गया। नन्ही परी का गुस्सा देख परी माँ का दिल टूट गया। परी माँ तो बस करना चाहती थी अपनी बेटी को प्यार, लेकिन नन्ही परी उन्हें मां मानने को ही नहीं थी तैयार। नहीं हो, मेरे मामा, नहीं हो, नहीं हो। आप सब ने देखा ना जो परी मां के साथ हुआ है। मुझे बस ये बताइए कि आखिर उनकी गलती क्या है। परी मां जो रही इतने साल तक लाचार और मजबूर, उन्हें आज उन्हीं की बेटी ने कर दिया खुद से दूर। क्या नन्ही परी अपनी मां की तकलीफ समझ पाएगी? क्या वो नन्ही परी कभी परी मां को अपनाएगी? पापा, कुछ तो चमत्कार दिखाइए, हरिणी देवी को मां के रूप में अपना ले। माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी तक लुटा देती है, लेकिन जब वही बच्चा माँ को तकलीफ दे तो ये बात उसे बहुत रुला देती है। अब देखना ये है किस्मत क्या नया रंग दिखाएगी। नन्ही परी गुस्सा होगी परी मां से या उन्हें गले लगाएगी? क्या आज खत्म होगा परी मां का इंतजार? क्या आज नन्ही परी भी करेगी अपनी परी मां से प्यार, या ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी, या फिर नन्ही परी अपनी परी मां को अपनाएगी? हम कामयाब हो गए। हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हरिणी ने ताई को अपना लिया है। मतलब पापा ने हमारी सुन ली है। सही, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी विराजा, मैं भी बहुत 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 खुश हूँ।
हरनी ने ताई को अपना लिया, हरनी ने ताई को अपना लिया। सही बाकी आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। थैंक यू सो मच। अभी प्लीज कहीं जाओ मत। डायरेक्टर मेरा पहला ही शो इतना बड़ा हिट हो गया। अपनी कला की वजह से अगर किसी की नफरत प्यार में बदल जाए तो उस कलाकार के लिए इससे बड़ा इनाम और कुछ नहीं हो सकता। सही बात है करिश्मा। वैसे तुमने भी बहुत अच्छी तरह से लाइटिंग को मैनेज किया। वेरी नाइस करिश्मा, आपका टाइमिंग एकदम परफेक्ट। थैंक यू विराट दादा। सही भाभी, इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं तो हूँ ही इतनी टैलेंटेड। वैसे आपने और पत्रलेखा भाभी ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की, एकदम दाडू सिट्टो। थैंक यू। महादेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। देवी और हरी कितने खुश लग रहे हैं, इन्हें किसी की नजर ना लगे। जीजू सही विराट, मेरे पास शब्द नहीं है तुम दोनों का शुक्रिया अदा करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे स्पेशल, सबसे कीमती अवार्ड तुम दोनों को देता। हमने जो किया उसका अवार्ड हमें मिल चुका है। मेरी ताई और भांजी की मुस्कुराहट से ज्यादा कीमती अवार्ड और कौन सा हो सकता है। विराट सर बिल्कुल ठीक कह रहे, और वैसे भी आज हरनी और देवी ताई दोनों का जन्मदिन है तो। अरे नहीं नहीं नहीं, आज देवी का जन्मदिन नहीं है। हाँ सही, आज ताई का जन्मदिन नहीं है। विराट सर, जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना उसी दिन माँ का जन्म होता है। माना आज देवी ताई का जन्मदिन नहीं है लेकिन आज एक माँ के रूप में उनका जन्म जरूर हुआ है। 10 साल बाद उन्हें अपनी बेटी का प्यार मिला है, देखिए कितने खुश है। पापा करे ये नन्ही परी और परीमा जिंदगी भर ऐसी हंसती खेलती रहे। पकड़ा पकड़ा। देवयानी तुझे खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच्ची आई? आई? हाँ। अब तो आप एकदम अच्छी आई हो गए हो। और अब तो मैं भी आई बन गई हूँ। आई मैं ना, मैं भी एक अच्छी आई बनूंगी। आप मेरी बेटी से मिले, रुको मैं मिलाती हूँ। हरिनी इख रही है, मैं आपको अपनी आई से मिलाना चाहती हूँ, ये आपकी नानी है। लेकिन मैं तो नानी से मिल चुकी हूँ। अच्छा आप नानी से मिल भी लिए? आपने नानी को हक किया? चलो चलो हक करो। हाँ हाँ हरनी, नानी को हक करो करो। होल्ड इट, एक मिनट हिला नहीं, हिला नहीं, थोड़ी और अंदर। गुड, वेट। नाइस काकू, स्माइल स्माइल प्लीज। नाइस, थैंक यू। थैंक यू बोलो। थैंक यू मोहित मामू। देवी तू खेल। हाँ ओके, चल 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 चलो हम इससे खेलते। विराट तुमने जो जो कहा वो मैंने सब किया। उम्मीद करती हूं कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई मलाल नहीं होगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।